अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोभी अलवी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये 4 से 5 चम्मच ये सालन के हैं। तो हमने ये सरसों का तेल लिया, ये अच्छे से गरम कर लिया, आप देख सकते हैं तो गरम हो गया। तो हम इसमें पहले अरबियाँ फ्राई करेंगे। हमने 1 किलो अरबी लिए और ये छिलने के बाद आधा किलो के करीब है, क्योंकि बरसात है, बरसात में अभी अंदर से खराब निकल जाती है। इसीलिए ये हमने इसे पीसों में कट कर लिया। जो बड़ी थी उसके 4 पीस कर लिए, जो छोटी थी उसके 2 पीस कर लिए। इन्हें हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी अरबी जो है हल्की हल्की गोल्डन सी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए गोल्डन गोल्डन कलर एक ते की तरह चढ़ गया इसका, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर प्लेट में। ये देखिए हमने सब अरबियां जो है बाहर निकाल ली है प्लेट में, आप देख सकते हैं। तो ये हाफ डन फ्राई होने के बाद थोड़ी सी गल जाती है और थोड़ी बाकी रह जाती है। तो ये इसी ऑयल में हम बंगाल लगाएंगे। तो ये जीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ साथ ये हमने महीन एक प्याज चॉप करी है और हमने एक छोटी एक बड़ी ली थी और आधी छोटी प्याज हमने ऐसे कट करके रख लिया, बाद में यूज करेंगे। प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें हल्का गोल्डन करना है, ज्यादा गोल्डन नहीं करना है और इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो गई है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। दोनों मिक्स है हमारे, ये अदरक भी और लहसुन भी डाल देंगे। इसे हम भून लेते हैं। देखिए अदरक लहसुन जो है हमने अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हैं दाना दाना सा हो गया बिल्कुल। इसमें टमाटर डाल देंगे, हमने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज के, स्लाइस कर लिए डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हल्का खट्टा बन भी हो जाता है। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसे हम रोकेंगे, थोड़ा अदरक भी डाल देंगे। हमने ज्यादा पकाना नहीं है। तो इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं, ड्राई मसाले। तो ये हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये 1 टीस्पून किचन किंग मसाला है, अगर चाहे आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये पिसा हुआ जीरा है, ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये सब मसाले डाल देंगे। हम अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सब कतरा हम पानी का डाल देंगे चम्मच के से मसाला नीचे जाने के लिए। बस देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर चाहे आपको किसी चीज को दिल न करे खाने के लिए तो आप ऐसे ही बना के खा सकते हैं मसाला, तो बहुत ही बढ़िया। इससे रोटी एक की जगह 2 खाई जाएंगी बिल्कुल सेम, ऐसे ही बना के खा सकते हैं। इससे मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, नान चपाती के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसमें छोले डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, मसाला ऐसा है ग्रेवी का, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। मशरूम डाल सकते हैं आप इसमें। इसके साथ साथ ही हमने 1 किलो गोभी ली थी, इसका डंठल हमने निकाल दिया, धोके सफा करके रख लिया। ये आप देख सकते हैं इसे पीसों में कट कर लिया, इसे डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसे हमने अच्छे से भून लिया, तो हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं।
और इसका ऐसे ऊपर से ही हम ढक्कन लगा देंगे, ऐसे ही कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और 5 मिनट के बाद दिखाते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए गोभी को पकते हुए, आप देख सकते हैं। हमने बीच में एक बार चम्मच चला दिया था, इसमें ये अरबियां डाल देंगे जो हमने ये फ्राई करी थी, और इसका ऑयल भी डाल देंगे सर। देखिए हमने अरबियां भी डाल दी, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितनी आपको जरूरत हो। ये अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसे, अगर चाहे आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं इसमें, आपकी मर्जी है। हमने सब अच्छे से मिला दिया, अब इसे हम दम पे एक सीटी लगा के और भाप में छोड़ देंगे हल्की आंच पे, और ये जो अरबी और गोभी हमारी गल जाएंगी बिल्कुल, तो हम इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पे एक सीटी लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। देखिए एक सीटी आने के बाद हमने ऐसी चूल्हे को बंद कर दिया था और इसमें भाप भरी हुई थी, तो हम खोल के देख लेते हैं। वाह कितनी अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें से, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नए तरीके से एकदम बनाया है हमने। और अरबी भी गल गई है ये देखिए, और गोभी भी बहुत ही बढ़िया हो गई है, इसे ज्यादा पकाने की उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था, तो ये इसी के पानी में ही पक के तैयार हुआ है। और फिर दिखाते हैं आपको, देखिए हमने जो है नीचे उतार लिया, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर से डालने के लिए रोकेंगे। हरा धनिया हर सब्जी की जान होती है, थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे, थोड़े से हम ऊपर से डालेंगे। अदरक हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये हमने हरी मिर्च ली थी 3 से 4, और ये ज़्यादा तेज नहीं होती हैं, डाल दिए। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं, आप चाहें तो इसे घोटें, आप चाहें तो ऐसे ही खड़ा खड़ा खाएं। इसमें अरबी आलू बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में भी। और इसमें शिरवा भी, अगर चाहे आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी डाल के इसे ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही भुना हुआ ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप जरूर ट्राई करके देखिए हमारे जैसे नई रेसिपी एकदम नए तरीके से। अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। जब आप हमारे चैनल नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और शेयर भी ज़रूर करिए। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।